एक्स क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू मेटालिक स्वेयर्स ऑफ रेडिया आई वन सेंटीमीटर एंड टू सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस टेन टू द पावर माइनस टू कलम एंड माइन फाइव इंटू टेन टू द पॉर माइनस टू कोलम रेस्पेक्टिवली इफ दे आर कनेक्टेड बाई अ कंडक्टिंग वायर हमें बताना है द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉल स्पेयर विल भी छोटे वाले स्पेयर पर कितना चार्ज होगा अगेन सिंपल सवाल है uh, आपके दो कपेसिटर हैं मेटेलिक Right. दो मेटेलिक्स वेयर्स हैं उनको हमने चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है इसके ऊपर जो चार्ज हमने दिया टेन टू दी पावर माइनस टू इसके ऊपर चार्ज दिया फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कूलम इतना चार्ज हमने इन दोनों को प्रोवाइड किया उसके बाद हमने इन दोनों को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया कुछ चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो करेगा हमें बताना है कि फाइनली छोटे वाले स्फेयर पे कितना चार्ज होएगा ना सबसे पहली बात तो इनका अगर हम कैपेसिटेंस लिखें तो हमें पता है कोई भी जो आपका मेटेलिक स्फेयर होता है उसका कैपेसिटेंस हम लिखते हैं फोर पाए एप्सलोनोट और एप्सलोनोट इंटू आर ये आपका कैपेसिटेंस होता है तो पहले वाले का कैपेसिटेंस सी वन जो आ जाएगा वो होगा फोर पाए एप्सलोनॉट मल्टीप्लाइड बाई आर यानी कि वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू सी टू हो जाएगा अपना फोर पाए एप्सलोनोट मल्टीप्लाइड बाई टू इन टू टेन टू दावर माइनस टू या आपका या दूसरे वाले का कैपेसिटेंस हो गया अब इन दोनों को जब हमने कनेक्ट किया है तो इन दोनों का चार्ज इस प्रकार रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा सो दैट दोनों का पोटेंशियल सेम रहे दोनों का चार्ज सेम नहीं होएगा सेम uh, होएगा यहाँ पे पोटेंशियल तो यहाँ पर पोटेंशियल जो उसका फाइनल चार्ज होएगा uh, इसका चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू विल बी इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश अपनी पहली कंडीशन है कि चार्ज आपका कंजर्व होएगा दूसरी कंडीशन ये है कि आपका पोटेंशियल आपका सेम रहेगा तो पोटेंशियल लेट से दोनों का है वी डैश फाइनल पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद वी डैश आया तो इनका हम चार्ज लिख सकते हैं पहले इनिशियल चार्ज है टेन टू द पावर माइनस टू प्लस फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू विल बी इक्वल टू इनका जो फाइनल पोटेंशियल आएगा इसको हम लिख रहे हैं क्यू इज इक्ल टू सी वी तो इसका जो पोटेंशियल होएगा वो आएगा फोर पाए नॉट मल्टीप्लाइड बाय हम लिख रहे हैं इसका सी टेन टू द पावर माइनस टू वी डैश प्लस इसका लिखेंगे फोर पाए नॉट मल्टीप्लाइड बाय टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वी डैश इसमें से अगर हम वी डैश कॉमन लेके तो वी uh, इसको ऐसे लिख लेते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस टू यहाँ हो गया फोर पाए नॉट और मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर माइनस टू हमने कॉमन ले लिया अंदर बचा थ्री वी डैश राइट सो यहाँ से टेन टू दावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा एक थ्री यहाँ से कैंसिल हो सकता है तो आपका जो वी डैश कॉमन पोटेंशियल आ गया वो हो गया टू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सल नॉट यह आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया सिक्स uh, से जब थ्री uh, को डिवाइड करेंगे टू बचेगा नाउ इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज बचेगा वो क्यू वन डैश उसको हम लिख सकते हैं फाइनल चार्ज इसके ऊपर क्यू वन डैश विल बी इक्वल टू फोर पाई एप्सलो नॉट मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई आपका कॉमन पोटेंशियल टू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सलो नॉट ना यहाँ से फोर पाई एफ्सलो नॉट कट जाएगा सो so, आपका जो चार्ज बचा वो हुआ टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कोलम सो ये आपका फाइनल आंसर होएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट चॉइस